गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10 का चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इस थ्योरी को। तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल में ये बताया गया कि अगर हम अरेंज करें अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को इस प्रकार कि ये परपेंडिकुलर हो बाकी के रैप्ड फिंगर्स पे, ओके, तो इस केस में क्या होगा कि थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये रैप्ड फिंगर्स जो होगा दैट विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आपको एक पेन होल्ड करना है अपने हाथों में, ओके, याद रखना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को ही मत ले लेना, ओके, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, राइट। सो राइट हैंड याद रखना है और राइट हैंड के थंब को क्या करना है आपको इस तरह अरेंज करना है और बाकी का रैप फिंगर्स के ऊपर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि जब करंट अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये रैप फिंगर्स को फ्लैप करके देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप रैप फिंगर को फ्लैप करोगे इस तरीके से तो यू विल ईजिली डिटरमिन कि इसका जो मूवमेंट हो रहा है रैप फिंगर्स का वो एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है, राइट। सो एक डायग्राम के थ्रू इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे पहले। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा इस केस में? एज यू ऑल नो दैट कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इस डायग्राम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है जनरली, उसके ऊपर हम लोग आते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द पॉइंट PQ। तो PQ दो पॉइंट है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? तो आसानी से इसको डिटरमिन कर सकते हैं बाई अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है अपने थंब को। तो ओके, द करंट इज गोइंग अपवर्ड, तो हमारा थंब किधर होगा, अपवर्ड होगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से अगर आप अरेंज करते हो अपने थंब को, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, इस केस में इन फिंगर्स को, रैप फिंगर्स को फ्लैप करके देखेंगे इस तरीके से, ओके। तो इफ यू अप्लाई इट हियर, तो ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी का जो सुई होता है उसके अपोजिट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्या हो रहा है कि जब थंब को आपने ऊपर किया तो रैप्ड फिंगर क्या है भाई, वो इस तरीके से मूव कर रहा है। मतलब अगर इफ हम लोग डिटरमिन करते हैं कि यहाँ 12 o'clock टाइम हो रहा है, तो इसके अगर लेफ्ट वार्ड मूव होगा तो 12 के पहले क्या आता है, 11 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी एंटी क्लॉक वाइज। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू।